स्मार्ट नौकरी में आप सभी का स्वागत है। मैं ओनिस कुमार। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता चल गया होगा कि 3 मई को जो नीट एग्जाम होने वाला था उसको अब पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि जो 3 मई का एग्जाम पोस्टपोन्ड किया गया है उसका एग्जाम संभवतः कब तक लिया जाएगा, तो इस वीडियो में आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, तकरीबन 7-8 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड करके आपको बताया था कि नीट एग्जाम जो 3 मई को होने वाला था वो संभवतः नहीं लिया जाएगा, और फ्रेंड फाइनली यही हुआ। खैर, ये तो अलग बात है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप स्मार्ट नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले बताते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जाम को लेकर क्या कहा है। इसने कहा है कि जो एग्ज़ाम है, मतलब कि लास्ट वीक ऑफ मई, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ये अनाउंसमेंट, फाइनल अनाउंसमेंट तब किया जाएगा जब सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम का डेट कंफर्म किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2.5 से 3 महीने के अंदर ऐसा इंडियन गवर्नमेंट किसी को भीड़ में जाने का अलाउ नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्ज़ाम मिड जून के पहले नहीं होगा, ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि 2.5-3 महीने के पहले गवर्नमेंट भीड़ भाड़ इलाके में जाने को किसी को अलाउ नहीं करेगा। तो 15 जून के बाद ही मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा, और मेरा अंदाज़ा लगभग सही हमेशा होता आया है। तो फ्रेंड तैयारी अच्छे से करें, एग्ज़ाम में आपको तकरीबन 2 महीने मिनिमम टाइम मिला हुआ है, आपको दो मंथ मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा, इतना आप सोचते चले। तो टारगेट सेट करें और अच्छे से तैयारी करें। बस मुझे ये बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ताकि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैंने वीडियो बनाया, और यही लगभग आपको यही 15 जून के प्रॉक्सी एग्ज़ाम होने की मुझे चांस लग रहा है, क्योंकि अभी बहुत कुछ सिचुएशन कंट्रोल में करना बाकी है। ठीक है फ्रेंड, अच्छे से घर बैठ कर तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।